आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। दुनिया में लोग कोरोना नामक महामारी से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री बार बार देश को संबोधित कर इस महामारी से बचाव के लिए फिलहाल सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने व अपने अपने घरों में ही रहने की अपील कर रहे हैं। संपूर्ण देश पूर्णतः लॉकडाउन है। राज्य व जिला स्तर पर भी लॉकडाउन को बरकरार रखने के लिए जिला प्रशासन सड़कों पर प्रचार प्रसार व चेकिंग अभियान चलाकर जागरूकता फैलाने और लोगों को अपने अपने घरों में रहने की अपील कर रही है। वहीं बिहार के सुपौल जिला मुख्यालय से सटे रामदत्त पट्टी पंचायत में लॉकडाउन पूर्णतः विफल है। एक समाजसेवी के आग्रह पर जब हमारी टीम रामदत्त पट्टी पहुंची तो चौक चौराहों पर सामान्य रूप से सैकड़ों की भीड़भाड़ व पान दुकान, चाय दुकान, कपड़े की दुकान, टेलर, हार्डवेयर सामान्य रूप से खुले हुए हैं। वहां की तस्वीर अपनी कहानी खुद बयां कर रही थी। उन्होंने हमें बताया कि इस इलाके के ज्यादातर मर्द दिल्ली, पंजाब व महाराष्ट्र में रोजी रोटी करते हैं। अभी के इस हालात में सैकड़ों की संख्या में लोग अन्य राज्यों से अपने गांव लौटे हैं, जिनका कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है। ऐसे लोग सामान्य रूप से चौक चौराहों पर अपना समय बिता रहे हैं, जो चिंता का विषय है। साथ ही आम लोगों को भी लॉकडाउन का मजाक बना रहे हैं। जी बताइए, आप ये कौन सा पंचायत है? ग्राम पंचायत रामदत्त पट्टी का। मैं मुखिया जोगेंद्र साह बोल रहा हूँ। अभी आपके पंचायत में के चौक पे चारों ओर हजारों का भीड़ लगा हुआ है। शाम का टाइम है, दबा हुआ के लिए लोग आया है, सब्जी उब्जी भी आया है। लेकिन जैसे आपको मैं बता दूं कि मैं सामने आपको दिखा दूं कि टेलर की दुकान खुली हुई है, ठीक है। यहाँ पीछे कपड़े की दुकान खुली हुई है, जहाँ आदमी खड़ा होता है लाखों भीड़ जमा हो जा रही है। भीड़ भर जो है ना, तो ठीक है, देहाती क्षेत्र है, लेकिन लोग जो है धीरे धीरे सजग हो रहा है। लेकिन दबा हुआ के लिए भी चौक पे आया है ना लोग, तो इसी लेकर के भीड़ है। लेकिन दिन भर शांत रहता है। शाम का टाइम है, तो हम थाना प्रभारी महोदय को खबर किए हैं कि कम से कम एक दो बार पेट्रोलिंग हो जाए। हम लोग तो देहात में आते हैं ना, तो सुधार तो है। जी बताइए, ये जगह कौन सा है? ये जगह रामदत्त पट्टी पंचायत घुरघुर चौक है, जिला सुपौल है। समस्या क्या है यहाँ, कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री रात में अपनी बात को कहा कि पूरे भारत में जो है 21 तारीख तक लॉकडाउन किया जा रहा है, और यहाँ के लोगों को पता नहीं, क्या समझ में नहीं आता है लॉकडाउन किसे कहते हैं। लोग जो है चाय पान के भी दुकानों को खुला रखता है, समझे न। दूसरी बात है कि कोई भी आदमी सीरियसली नहीं ले रहा है। कल से हम देख रहे हैं, दो दिनों से आते हैं तो देखते हैं कि पूरा इस चौक पर भीड़ लगा रहता है। ये चौक प्रशासन का भी ध्यान इस ओर नहीं है। जब यहाँ महामारी फैल जाएगा तो लोग इन पर तब समझ में आएगा। चौक तो आम दिनों की तरह ही पूरी तरह से भीड़ भाड़ है। यहाँ से कभी प्रशासन को कॉल किया गया क्या? जी, प्रशासन को मैंने डीएसपी को लगाया, मेरे पास डीएसपी का नंबर है। उसके बाद थाना प्रभारी को मैंने लगाया, तो तीन बार चार बार कॉल हुआ, मगर किसी ने मेरा कॉल नहीं लिया। जो मैं उन लोगों को कह सकता, मैं अपनी बातों को। अब इधर देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं हो रहा है, इधर घुमा दीजिए एक बार, बिल्कुल एकदम देखिए, सब सटे हुए। यहाँ भेड़िया धसान की स्थिति बनी हुई है, और पता नहीं आखिर प्रशासन किस निद्रा में है। सुपौल प्रशासन आश्चर्य लग रहा है, घोर आश्चर्य का विषय है। जबकि लोगों को कहा गया है कि एक मीटर के रेंज में रहना चाहिए, अगर आपको बहुत आवश्यक काम है तो घरों से निकले। हम बेअसर है नेताजी, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हम प्रशासन से आग्रह करेंगे, शहर में लॉकडाउन पूरी तरह से है। कल रात में मोदी जी के भाषण के बाद, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के बोलने के बाद, पूरे शहर में लॉकडाउन बहुत अच्छा स्थिति में है। लेकिन अभी प्रशासन को गांव देहात में, जहां पर छोटा छोटा बाजार है, वहां पर इनको फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि आप सुपौल प्रखंड में देख लीजिए, बसपीटी गांव है, रामदत्त पट्टी है, बगल में सुपुर है, करणपुर है, हरदी है, पिपरा बाजार है। इस सब तरह पर अगर फोकस नहीं कीजिएगा तो कोरोना को लोग आमंत्रित दे रहा है, देहात के लोग इतना नहीं समझ पा रहे हैं। प्रशासन हर हालत में अब सीधा सीधी देहात में उतरे। परिचय, मैं विजय पासवान, दलित सेना जिला अध्यक्ष, सुपुर प्रत्याशी, त्रिवेणी गांव।